कहाँ रह गए टैरो कार्ड रीडर? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मुझे ऐसा क्यों लगा कि तिवारी जी आए थे? Is this Sanita Mishra's residence? Sorry, Radha Mishra. Yes, and you are? Puppy. Puppy? Puppy Katoch, famous tarot card reader. Oh, yes. Please come. Please come. Aye. Tiwari ji tells me कि आपको कार्ड्स निकलवाने हैं। जी, मुझे कार्ड्स दिखाने हैं। देर किस गल दी है, फौरन कार्ड्स निकालते हैं। अरे नहीं नहीं, पहले आप चाय कॉफी क्या लेंगे वो बताइए आप ना। पहले कार्ड्स देखते हैं। फिर मैं तुम्हें कोई ऐसी गल दसांगा जिसे सुनकर तुसी एकदम हिल जाओगे। जी देखिए, मेरा पति नल्ला है। मैं ग्रूमिंग क्लासेस चलाती हूँ। मेरे चचिया ससुर जो कि लंदन रिटर्न है, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। ये तो पूरा कानपुर शहर जानता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई ऐसी बात बताइए जो किसी को ना पता हो। बताएंगे, जरूर बताएंगे। कार्ड्स बताएंगे, जो कुछ भी बताएंगे। वन मिनट शफल। पांच कार्ड चुन लियो। दिखाओ। ओह माय गॉड, कार्ड तो बड़े डेंजर आए ने। क्यों 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 डेंजर है? क्या मैं किसी का कत्ल करने वाली हूँ? कत्ल तो तुसी साडा कर चुकी हो। रब वर्गा मेरा यार, मैं जन्नत जाके की लेना। जी क्या कहा आपने? जी गल दसो, तुहाडे फादर साहब बड़े अयाश मिजाज आदमी सीगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कार्ड कह रहे ने। ये मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि मेरे फादर रंगीन मिजाज थे? जी कार्ड्स तो कह रहे ने। कैसे रंगीन मिजाज थे जरा बताएंगे आप? अक्सर तुहाडे फादर साहब लव पॉइंट गार्डन विच आंदे रहंदे सीगे। उन्हां दा संबंध किसी डाइटिशियन दे नाल सीगा, और वो अक्सर डाइटिशियन दी गोद से सर रख के घंटों घंटों लेटे रहंदे सीगे। एक मिनट, ये ऐसे सब कार्ड्स बोल रहे हैं मेरे? जी कार्ड्स ही कह रहे ने, जो कुछ भी कह रहे कार्ड्स ही कह रहे ने। और कार्ड्स तो ये भी कह रहे ने भी तुहाडे फादर साहब जो है एक दिन अपनी सेक्रेटरी नु डिक्टेशन दे रहे सीगे, तभी तुम्हारी मम्मी जी आ गई और मम्मी जी ने उन्हें रंगे हाथों फड़ लिया। और फिर तुम्हारे फादर साहब कहने लगे भी वो सेक्टर नु डिक्टेशन दे रहे सीगे। तुम्हारी मम्मी ने कहा ओ सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कह के वो नट गई। बस 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 बस, मुझे आगे नहीं जानना है। मैं समझ गई आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टैरो कार्ड रीडर हैं। आप मेरे पति का कुछ इलाज बताइए, विभू का बताइए इलाज। वो तो लाई इलाज है। क्या मतलब? मतलब नल्ले पति नू बेबी बेबी कहंदी है। तुहाडे पति तो कंट्रोल तो बाहर है, इज आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब वो की कहने ने, सांड है, बुल। हाँ तो इस साल आई मीन बुंड। बुल। हाँ तो इस बुल, मेरे पति का कुछ इलाज तो होगा आपके पास ना? जी है, अगर जो वो एक इलाज कर लें जड़ा असी दसेंगे तो एकदम सुधर जाएंगे। हाँ तो बताइए ना क्या इलाज है। मैं अपने पति के लिए कुछ भी करूँगी, कोई भी उपाय करूँगी। उपाय ये है कि आपको अपने पति के अलावा पड़ोसी के साथ वैलेंटाइन डे मनाना पैना। लोकी रब दे सहारे जी लेने, तुसी पड़ोसी के सहारे जी लेना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे पड़ोसी के साथ वैलेंटाइन डे मनाना पड़ेगा? देखो जी, तो कार्ड कह रहे ने अगर आप चाहते हैं कि आपका पति नल्ला भी ना रहे
और सुधर भी जाए तो ये उपाय तो करना पड़ना। ठीक है, मैं ये उपाय करूंगी और जरूर करूंगी। हालांकि मुझे अपने पति के अलावा किसी और के साथ वैलेंटाइंस डे मनाना पसंद तो नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने पति के लिए उपाय करूंगी और जरूर करूंगी। चलिए भाई, हमारा काम तो हो गया, खोखे पे जाने का टाइम हो गया। जी दूजा क्लाइंट वेट कर रहा है। वो तेरा टाइम हो गया यार। इनके ऊपर तिवारी जी का काफी इन्फ्लुएंस है। दिया, एक का है चाचा जी? बेटा ये टीवी है। दिया टीवी? आधा ये टीवी में का आएगा, फिल्म आएगा का? अरे नहीं नहीं, ये फिल्मों वाला टीवी नहीं है। आ तो कौन सा टीवी है? ये टीवी आत्माओं से बात करवाता है। दिया का? वो पापा के ये टीवी के अंदर आत्माएं भरा पड़ा है। हाँ, देखो बेटा क्या है ना कि इसके अंदर एक ऐसा यंत्र है कि जिस भी आत्मा से बात करनी है बस इसके सामने उसका नाम ले लो, वो आत्मा हाजिर हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? फिर? अरे फिर क्या, उस आत्मा से आराम से खड़े होकर फिर बातचीत करो। तो आप किसका आत्मा बुलाने वाले हैं? बेटा ट्यून कर रहा हूँ, एक आत्मा है सेंट क्यूपिडिनो, पता है तुझे? वो खासियत बताते हैं वैलेंटाइन डे के बारे में कि तुम्हें वैलेंटाइन डे किसके साथ मनाना है, क्यों मनाना है, किस लिए मनाना है, कब मनाना है। ठीक बा। लेकिन 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 एक बात का ध्यान रखना बेटा। क्या बात? बेटा सेंट क्यूपिडिनो की हर बात मानना, मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, वरना तो सेंट क्यूपिडिनो की अगर तूने बात नहीं मानी ना तो तेरे पति के शरीर पर खुजली हो जाएगी। संत जी का हर बात मानेंगे। गुड, ऐसी बड़ी लड़की से यही उम्मीद थी। आ का बोले? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तू उनकी हर बात मानेगी तो तेरे पति की तरक्की होगी। अच्छा अच्छा ठीक बा, हम उस संत कप्पा नूडल्स जी का हर बात मानेंगे। अरे कप्पा नूडल्स नहीं, कैपिटल क्यूटो का, अरे क्या नाम था, तूने बुलवा दिया मुझे। क्यूपिडिनो। हाँ क्यूपिडिनो, अरे अच्छा तुझे याद आया, वरना किसे बुलाते हो, है ना? सही पकड़े हैं। सुन, मैं सेंट क्यूपिडिनो को बुलाऊंगा, ठीक है? तू आराम से जो पूछना पूछना, अभी तू पलट के खड़ी हो जा, चल उधर मुंह करके खड़ी हो जा। हाँ वेरी गुड, अभी पलट के मत देखना जब तक मैं ना बोलूं। ठीक बा। सुन बेटा, 10 सेकंड के बाद पलट जाना। ठीक बा चाचा जी। ओके। 1, 2, 3, 9, 10। आइडिया। चाचा जी, अब अपनाम करे संत कूटो पीटो जी। क्यूपिडिनो, माय स्वीट हार्ट, माय हनीमून। सही पकड़े हैं। आइडिया, आका है, आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुआ। आई लव यू टू। आका बोले? Cupidino, my sweetheart, my little angel. ऐसे ही पकड़े हैं। I love you too. आई दिया, आप ऐसा बातें काहे कर रहे हैं संत जी? हनीमून हम प्यार का देवता है, दुनिया में लोगों के दिलों में मैंने ही प्यार भरे हैं, इसलिए जो भी प्यार करने वाले होते हैं मैं उनसे प्यार करते हैं, थूट थूट के प्यार करते हैं, तुम भी मुझसे प्यार करो। लेकिन हम आपसे प्यार कैसे कर सकते हैं संत जी, हम तो अपने पति से प्रेम करते हैं। हमसे प्यार करोगी तभी तो अपने पति से प्यार करोगी। नहीं नहीं, हम तो केवल एक ही आदमी से प्रेम करते हैं, हम रिलेटिव के भैया। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, I was testing you. तुम सच्चा प्यार करने वाली महिला हो, मैं तुम्हारे साथ
डांस करेगा टूट के। अनिबान, it's Cupidino, my dear. ऐसे ही पकड़े हैं, dear संत जी, हमको बताइए ना कि हम ऐसा क्या उपाय करें कि हम रिलेटिव की भैया हमसे टूट टूट कर प्रेम करें। बड़ा सिंपल सा उपाय है, तुम वैलेंटाइन्स डे अपने पड़ोसी के साथ मनाओ, ये देख के तुम्हारा पति तुमसे टूट टूट के प्यार करेगा, and he will fall in love with you. All over again. ठीक बात, अथांग संत जी। It was my pleasure, honey bun. Me too. Hashtag. बात है संत जी, हाथ भी मिलाते हैं। संत जी, दिया चले गए, हमको दिखता है। ये देख, ये देख रहा है, इसका ये नाड़ा इतना मजबूत है कि तेरे जैसे दो आदमी इसमें घुस जाए ना तो भी इसका कुछ ना बिगाड़ पाएंगे, समझे? ये देख आप तिवारी जी, अगर दुकानदारी से आपको फुर्सत मिल जाए तो दो चार बातें हमसे भी कर लीजिए। जी जी, बाद में चल निकल। जी बैठिए भाई जी, बैठिए। क्या सेवा करें आपकी, दूध जलेबी लेंगी? फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो पता है मैं जलेबी नहीं खाती हूँ। जी सलाद लेंगी? सलाद दे बे, चाय की दुकान में सलाद दूंगा आपको। तिवारी जी क्यों फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो कीजिए ना, क्या सेवा करें बताइए। सवाल एक्चुअली काफी अजीब सा है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सवाल करना भी जरूरी है। हाँ, तो कीजिए ना सवाल, कहिए क्या सवाल है भाभी जी। तिवारी जी, आप मेरे साथ वैलेंटाइन्स डे मनाएंगे? आखिरकार टैरो कार्ड रीडर ने अपना काम दिखा ही दिया, भाभी जी हमारे जाल में फंस गई। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गए अचानक? नहीं भाभी जी, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप ऐसा चाहती हैं, लेकिन क्या भाभी जी, हम क्षमा चाहेंगे कि हम आपके साथ वैलेंटाइन डे नहीं मना पाएंगे। क्यों? वो क्या है कि हमारी कुछ व्यस्तताएं हैं, अंगूरी को भी समय देना है। ठीक है, कोई बात नहीं तिवारी जी, मैं फिर कहीं और बात कर लूंगी। भाभी जी सुनिए, अरे सुनिए, क्या 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 सुनूं? नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। अब नहीं 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 तिवारी जी, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो है ना प्रेम चौधरी, वो बिल्कुल फ्री है। प्रेम चौधरी? हाँ। तो क्या बात कर रही है भाभी जी, आप उस घटिया आदमी के साथ वैलेंटाइन डे मनाएंगी? हमने कहा नाम बिल्कुल फ्री है। आप फ्री हैं, लेकिन अभी तो आपने कहा ना कि आपकी अपनी व्यस्तताएं हैं। नहीं व्यस्तताएं हैं। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आप फ्री हैं? नहीं फ्री हैं, लेकिन तिवारी जी आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप व्यस्त हैं या फ्री हैं। मुझे ऐसे गोलमोल बातें करने वाले लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्री है, फ्री है। नहीं लेकिन रहने दीजिए,
अंगूरी जी भी वैलेंटाइंस डे के दिन अकेले रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मैं 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 प्रेम चौधरी से बात कर लूंगी। नहीं भाभी जी, भाभी जी नहीं, नहीं भाभी जी, भाभी जी बिल्कुल फ्री है। बैठ फ्री है, ओके, और छोड़िए छोड़िए तिवारी जी, बैठ, भाभी जी फ्री है हम। अरे मैं ओके, मैं वैलेंटाइंस डे के दिन आपके साथ चलूंगी। कौन? भाभी जी फ्री है। अरे यार, कभी कभी भाव खाना भी महंगा पड़ जाता है। अपरभूति जी घर पर हैं का? अरे आइए 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 भाभी जी आइए, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, प्लीज बैठिए। थैंक यू। कैसे बा? बस भाभी जी, अनु के साथ वैलेंटाइन डे मनाने की तैयारियां कर रहा हूँ। आप अनीता जी के साथ वैलेंटाइन मनाने वाले हैं? अनीता के साथ नहीं मनाऊंगा तो किसके साथ मनाऊंगा भाभी जी? हम सोच रहे हैं कि आप हमारे साथ वैलेंटाइन मनाएं। मैं आपके साथ, मतलब मैं आपके साथ वैलेंटाइन डे मनाऊं? हाँ। तो आपके लड्डू के भैया क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे? हाँ, नहीं नहीं, वो झुंझुना नहीं बजाएंगे, वो कहा है कि थोड़े बिजी हो गए हो, इसलिए हम उनके साथ ना ही मना पाएंगे। आपके तो बड़े प्लान्स हैं उनके साथ, कभी कुल्लू, कभी मनाली, तो कभी गोवा, क्या हुआ टाइम पे? भाई तो वो कहा हुआ एंड टाइम पे कुछ काम आ गया और वही जो प्लान था वो कैंसिल हुई गबा। बड़ा अफसोस हुआ भाई जी, बहुत अफसोस हुआ मुझे इस बात का। आई एम रियली हैप्पी, मतलब वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। चलिए जाने दीजिए, कब आप हमारे साथ वैलेंटाइन मनाएंगे? एक्चुअली आई एम सॉरी भाभी जी, क्या है कि मैंने अनूप से वादा कर लिया है और अब ऐन वक्त पर नहीं जाऊंगा तो उसका दिल टूट जाएगा भाभी जी, शी विल बी हर्ट। ठीक बा, हम कोनो और के साथ वैलेंटाइन? नहीं, आप किसी और के साथ वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगी भाभी जी। देखिए, मैं आपके लिए, जस्ट फॉर यू, मैं अपना जो प्लान है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूंगा। नहीं नहीं, आप अपना प्रोग्राम को ना ही बदलिए, अनीता जी के साथ बनाए ना आप प्रोग्राम, उसको रखिए। मैं अनु को मना लूंगा, अनु को मना लूंगा, मना लूंगा। नहीं नहीं, लेकिन अनीता जी हर्ट हो जाएंगी ना। आप हर्ट कहना चाह रही भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं आप, जो प्रोग्राम बनाए हैं अनीता जी के साथ ही रखिए। नहीं 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 भाभी जी, मैं मनु को मना लूंगा, कन्विंस कर लूंगा उसको, आई नो हाउ टू कन्विंस हिम भाभी जी। नहीं भरभूति जी, अनीता जी का हक है आपके साथ ई प्रेम दिवस मनाने का, आप उनके साथ ही मनाइए। भाभी जी मेरी बात सुनिए भाभी जी, अनु नहीं जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, she won't mind, I'm telling you. अभी जी आपके लड्डू को भैया की कसम, आप उनका मरा मुंह देखें। अभी जी अगर आप मेरे साथ वैलेंटाइन डे नहीं मनाए तो प्लीज। भाभी जी, I deserve you because I love you. आका बोले? Because I would love to celebrate Valentine's Day with you. Okay? Come on, give me a hug. आका बोले? Okay, भाभी जी, let's do it. अभरभूति जी, आज की शाम आपके नाम। भाभी जी, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि आज की शाम आपने मेरे नाम कर दी। लेकिन हमने तो अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी है। आका बोले? आपसे एक बात पूछूं भाभी जी? हाँ पूछे ना। जब मैं आपसे आम बातचीत करता हूँ तो आप समझ जाती हैं, ठीक है? ठीक बा। लेकिन जब मैं आपसे दिल की बात करता हूँ तो आप समझ के भी ना समझ बन जाती हैं। हक्का बोले? अभी जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाभी चलते हैं आइसक्रीम खा के आते हैं। हाँ तो चलिए ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम दोनों एक ही कोन में से खाते हैं तो क्या कहेंगे आप? हक्का बोले? का बोले का बोले भाभी जी, भाभी जी अब हम क्या बोले? जब ऊपर वाला आपका मॉडल डिजाइन कर रहा था
तो कुछ प्रोग्रामिंग में चेंजेस करना भूल गया, तभी आपको आम बातचीत समझ में आती है, लेकिन जहां दिल की बात कहते हैं आप क्या बोले का बोले बोलती हैं। क्या बोलते हैं ना, हमरे कछु समझ ना आता है। चलिए अब आप बोलिए, मैं सुनूंगा। ठीक बा। अब ऐसे भरभूति जी, आज का ये जो बिल्ली टाइम है ना, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप खुद अपने में बड़ी खूबसूरत बिल्ली हैं, क्यूट बिल्ली। हाँ क्या बोले? बल्कि भाभी जी, आप वैलेंटाइंस डे कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अब विल यू बी माय वैलेंटाइन? व्हाट डिड यू से जस्ट नाउ? आपने क्या कहा, जरा फिर से एक बार कहिए। विल यू बी माय वैलेंटाइन? क्या हुआ भाभी जी, दोबारा कहिए प्लीज। अब विल यू बी माय वैलेंटाइन? भाभी जी, फिर से एक बार कहिए प्लीज, फिर से एक बार कहिए। विल यू बी माय वैलेंटाइन? ओ मम्मी, सक्सेना जी के बच्चे, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किसके मुंह से विल यू बी माय वैलेंटाइन सुनना चाह रहे थे? बीवी 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 के मुंह से सुनना चाह रहे थे और किसके मुंह से सुनना चाह रहे थे? नहीं, आप ऐसी पार्टी नहीं है कि भाभी माँ के मुंह से इतने प्यार से विल यू बी माई वैलेंटाइन सुनना चाहें। तो मैं किसके मुंह से सुनना चाह रहा था बताइए, आप किसके मुंह से सुनना चाह रहा था? आप मेरे मुंह से सुनना चाह रहे थे। ये मुंह और मसूर की दाल उठी मेरे बिस्तर से, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में घुसने की? हाउ डेयर यू? मैं आपके साथ वैलेंटाइंस डे मनाना चाहता हूँ। दफा हो जाइए यहाँ से, ढूंढिए किसी पगलेट को, उसके साथ मनाइए अपना वैलेंटाइंस डे। दफा हो जाइए यहाँ से। ये आप मुझे का फोन कर रहे हैं? फोन उठा। हैं? फोन उठा। हेलो, आई लव यू विभो। यार ये पगलेट तो गले पड़ गया, इस कमबख्त का कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। माय गॉड, नाइस खोलूं? अरे सरप्राइज है रूसा जान, एक मिनट। यार आई कांट वेट एनी मोर। अब अपनी खूबसूरत आंखें खोलो रूसा जान। ओके, ज्वेलरी बॉक्स, क्या है इसके अंदर? खोल के तो देखो बॉक्स, गुर्दे मुकवा जाएंगे। ओह माय गॉड, दिस इज कुंदन नेकलेस, अमेजिंग। मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। God, this is so amazing. Thank you so much. साहब हम क्या कह रहे? आप लगातार ऐसे फोन में टोकर टोकर क्या दिख रहे? मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो लुक्खा मेरा कार्ड स्वाइप करेगा और मेरे पैसे कटेंगे। कट गया। पैसा कट गए। हाँ, उसने कमर बंद ज्वेलर से पूरे 75,000 रुपए की शॉपिंग की है। साहब जी बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा, पहले 1,00,000 रुपये कट गए। बेटा इतना हिसाब लगा साहब को, कितनों पैसे कट गए? क्यों, आपको कैलकुलेशन नहीं आती क्या? 1,70,000। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, अगले महीने से जरूर हमारी दुकान के क्योंकि घड़ो चोखो माल आ रही है। आते रहेंगे। मैडम को लेके आओ। जे का एरो है? पता है, कमाल हो गया, मुझे टिल्लू ने 75,000 का ये नेकलेस दिलवाया। दिस इज सो प्रिटी। प्लीज वेट।
फिर आओ। उसने फिर से 1.5 लाख रुपए की हीरे की शॉपिंग की है और यह हो गए 3,20,000। यस यस कट गई, आई नहीं है अकाउंट में। दी के लट कायल साहब, क्या कर रहे हैं जो अपने साथ आप, जो अन्याय है आपको मतलब समझ में नहीं आ रही। 3 लाख रुपये कट गए हैं, अब तो सारन को दबोचे चल के। एक्सक्यूज मी सर, पेशेंस इज द की, एम आई राइट सर? यू आर राइट मनोहर, अपू सिंह धैर्य ही कुंजी है। का गुनिया कुंजी है? आप तो धैर्य की कुंजी बनाए बैठे होते, आपकी जमा पूंजी लुट रही।